आज से पहले आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें आपको स्नैपसीड ऐप से सिखाया जाता है किस तरीके से ग्रीन टोन डाल सकते हो, किस तरीके से सियान टोन डाल सकते हो, उसके बाद किस तरीके से फेस को स्मूथ कर सकते हो, ऑयल पेंट, यानी कि एक फोटो एडिटिंग को कंप्लीट करना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। लेकिन आपका भाई आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएगा, यानी कि सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आपको पूरा कंप्लीट एडिटिंग हम सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो इससे गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, आज वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइज यहाँ से गाइज इस फोटो को सेंड पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे स्नैपचैट ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइज हम फोटो को स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास स्नैपचैट ऐप। तो गाइज स्नैपचैट ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है आपको, एंड एम्बियंस को लगभग आपको इतना बढ़ा लेना है आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा कम करना है, शैडोज को आपको बढ़ा लेना है लगभग इतना, ओके। देन यहाँ से गाइज आपको डन कर लेना है। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है, सिर्फ अभी लाइट का एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो इतना काम कर लेने के बाद गाइज अब आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। अब टूल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट का यूज करके आपको अपने फेस को जो है स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से पोर्ट्रेट में स्मूथ 2 रखेंगे। स्मूथ 2 रख लेने के बाद स्किन स्मूथ की अमाउंट लगभग यहाँ 47 कर लेंगे। देन यहाँ से गाइज आपको आई क्लैरिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है। आई क्लैरिटी बढ़ाकर सिंपल से यहाँ से डन कर लेंगे, ओके। तो गाइज फोटो देखो बिफोर आफ्टर कुछ इस टाइप की गाइज फोटो दिख रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको गाइज टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको अपने फेस को जो है, मतलब आप देख पा रहे हो कि फेस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो थोड़ा सा रेडिश टोन है। तो उसको सही करने के लिए गाइज आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ड्रामा का एक ऑप्शन मिलेगा, इसका यूज आपको करना है, ठीक है। ड्रामा पे क्लिक करने के बाद ये फिल्टर स्ट्रेंथ आपको दिख रही होगी, इसे आपको पूरा जो है कम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेचुरेशन मिलेगी, तो इसे आपको लगभग इतना रखना है, -46 के अराउंड, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो कि आपकी फोटो कुछ इस टाइप की हो गई, ये देखो बिफोर ये आफ्टर। तो इतना काम कर लेने के बाद गाइज अब आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिलेगा, आप देख पा रहे हो ये। देन आपको यहाँ से ये डार्क वाला जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस लगभग यहाँ से -2, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट को लगभग इतना +10, एंड यहाँ ग्रेन को आपको 0 रहने देना है, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ क्लिक करना है इस अंडो वाले बटन पे, बी एडिट्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पे, एंड इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ओके। अब गाइज आपको सिंपल यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है, एंड अपनी फोटो को जूम करना है, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपनी पूरे स्किन से इसको इरेस कर लेना है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से इरेस कर लेते हैं, ये बिल्कुल ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको इरेस करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे एंड आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। तो आपको अपने हैंड से भी इरेस कर लेना है, ये नहीं कि सिर्फ फेस से, आपको पूरा हैंड से भी इरेस कर लेना है। बाकी आपके ऊपर है, आप अगर हेयर को ब्लैक रखना चाहते हो ब्लैक रखने दो, अगर आपका हेयर कलर्ड है तो आप चाहो तो हेयर से भी इरेस कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो गाइज इतना हो जाने के बाद अभी आपकी फोटो देखोगे कुछ इस टाइप की दिखेगी, ये देखो बिफोर ये आफ्टर। यहाँ से गाइज आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है। अब गाइज आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पे गाइज आपको दिखेगा एक कर्व्स का ऑप्शन, तो कर्व्स पे आपको क्लिक कर लेना है। कर्व्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से गाइज आपको ये रेड वाला कलर जो है सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कर्व लाइन जो है ऊपर आपको दिख रहा है, इसे आपको कर्व लाइन को पूरा नीचे की तरफ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। नीचे की तरफ कर लेने के बाद आपको सिंपल यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ एडिट स्टैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट्स पे चलना है, एंड यहाँ से गाइज आपको कर्व्स पे क्लिक करके इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब इस पेंसिल वाले आइकॉन पे। अब गाइज आपको यहाँ से इन्वर्ट कर लेना है दोबारा से, एंड इससे आपको 0 कर लेना है, ठीक है। 0 कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने स्किन से इसको इरेस कर लेना है, ठीक है। लेकिन इस बार आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार आपको हेयर से भी इरेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो गाइज इस बार हम हेयर से भी इरेस कर लेते हैं, एंड जल्दी जल्दी से स्किन से भी इरेस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए गाइज मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, ताकि मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड आपको सीखने में टाइम लगे, ठीक है। तो आपको मैं फटाक से सिखाने वाला हूँ, एंड इसके बाद वाला जो स्टेप है ये पूरे फोटो को चेंज करके रख देगा, ठीक है। तो गाइज ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये मैं पहले जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस।
तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि हमने ओवरऑल जो है इरेस कर लिया, मतलब अच्छे तरीके से गाइज हमने इरेस कर लिया। अभी गाइज इस आई वाले ऑप्शन का यूज करके आप और भी बेटर तरीके से अपने काम को कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ एंड फोटो को जूम करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से गाइज ये साइड साइड में मैं चला देता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी फ़ोटो में परफेक्शन ना आए ना तो आपकी फ़ोटो उतनी खास नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए गाइज आपको थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए गाइज इस आई वाले ऑप्शन का यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि हेयर कुछ इस टाइप से दिख रहा है एंड यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ से भी रेस हो गया, तो हम इसको फिल कर देंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको करना है ताकि ये बिल्कुल ही परफेक्टली हो एंड यहाँ पे इतना काम आपको कर लेना है। बाकी यहाँ से इसको हम जीरो कर लेते हैं एंड यहाँ से भी हम इसको इरेस कर लेते हैं, ओके। एंड गाइज अब आपको यहाँ से इस आई वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अभी गाइज आप फोटो देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, मतलब क्या कलर है यार। आपको सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। जो भी कलर आपको सेव मतलब चाहिए वो कलर आप रख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरा कलर इसमें कैसे डालोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप यहाँ से सिंपल से शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, आपकी फ़ोटो जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपनी फ़ोटो में दूसरा कलर जो है डालना है जैसे ग्रीन टोन, तो इसके लिए गाइज आपको इस एलिट स्टैक वाले ऑप्शन पे चलना है, व्यू एडिट्स पे चलना है एंड यहाँ कर्व्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइज आपको ये थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब गाइज आपको ये कलर वाले आइकॉन पे दोबारा से क्लिक करना है, यहाँ से ब्लू वाला कलर लेना है एंड इसको खींचकर कुछ इस तरीके से नीचे कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको डन करूँगा। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो के अंदर ग्रीन टोन कितना ईजिली आ गया, ठीक है। मतलब कि आप देख पा रहे हो कि ग्रीन टोन कितना जल्दी आ गया, इसमें कुछ भी हमको करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस फोटो को भी हम यहाँ से कर लेते हैं सेव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है इस तरीके से बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना, मतलब चुटकियों में आप कर लोगे, ठीक है। अब गाइज आपको जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपकी फ़ोटो को क्यों चेंज करेगा, मैंने आपको जैसा कि बताया। तो इस स्टेप में गाइज हम क्या करने वाले हैं, अपनी फ़ोटो के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये हेयर है, तो हेयर में गाइज हम ऑयल पेंट का इफेक्ट डालने वाले हैं, ठीक है। तो ऑयल पेंट का इफेक्ट डालने के लिए सिंपल से यहाँ से फ़ोटो को कर देंगे शेयर एंड इस फोटो को टूल विड्ज ऐप के अंदर आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। टूल विड्ज ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा। आपको चलना है यहाँ पर, आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से गाइज आपको सॉफ्ट स्मर्ज पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइज आपको ये ऑप्शन आपको 5 या 6 नंबर वाला आपको जो है इफेक्ट ले लेना है, ठीक है। तो गाइज हमने ये 6 नंबर वाला इफेक्ट ले लिया। यहाँ से मास्क पे क्लिक करना है, क्लीन कर लेना है, ठीक है। अब गाइज कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ अपने हेयर पर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ हेयर पर, तो हेयर पर कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर लोगे। मतलब आपके अगर बियर्ड वगैरह है, अगर आप मेन हो बियर्ड वगैरह है तो आपने ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट का आप यूज़ ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना भाई, आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि गाइज हमने हेयर में कुछ इस तरीके से चला दिया एंड अभी देख पा रहे हो कि हेयर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बवाल लग रहा है, ठीक है। तो ऑयल पेंट का इफेक्ट तो गाइज हमारी फ़ोटो में कुछ ऐसे हम डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फ़ोटो को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा। वह है सबसे पहले यहाँ से हम फ़ोटो को कर लेते हैं डन एंड अभी इस फोटो को हम दोबारा से सेव करके ओपन करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। आप सोच रहे होगे भाई कि मैं दोबारा स्नैपसीड में क्यों जा रहा हूँ, तो मैं आपको चल के बताता हूँ। तो यहाँ से गाइज आपको शेयर मोर पे क्लिक करना है, यहाँ देखो आप कहीं स्नैपसीड का ऑप्शन आएगा, तो ये रहा स्नैपसीड। तो गाइज हमने स्नैपसीड ऐप के अंदर दोबारा से ओपन कर लिया। यहाँ पे गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि ऑयल पेंट का इफेक्ट जो है हेयर में आ गया है। अब गाइज आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से गाइज आपको ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ सैचुरेशन लेना है एंड इसको 5% कर लेना है, ठीक है। अब फोटो को आपको जूम करना है कुछ इस तरीके से एंड ऐसे ऐसे गाइज आपको अपने लिप्स पे इसको चला देना है, ठीक है। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि आपके लिप्स में जो है दोबारा से जो है कलर जो है रिकवर हो गया, क्योंकि आप देखे पहले आपकी फ़ोटो में लिप्स का कलर थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे आप ड्रामा का इफेक्ट अप्लाई करोगे आपकी लिप्स से जो है कलर जो है फेड हो जाएगा। तो उसको रिकवर करने के लिए हम ये ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अभी गाइज आप देख पा रहे हो फोटो बिफोर आफ्टर, मतलब सिर्फ लिप्स की वजह से गाइज फोटो कितना ज़्यादा मस्त लगने लग गया। एंड अभी हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्टिव पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे गाइज आपके स्किन का जो डार्कर एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे, या ब्राइटनेस को बढ़ा देना है आपको एंड सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो में फेस जो है हमारा वाइट भी हो गया, स्मूथ भी हो गया, साथ ही साथ हेयर में ऑयल पेंट का इफेक्ट भी डल चुका है एंड बैकग्राउंड का कलर तो पूछो ही मत, मैंने दो दो बार आपको बता दिया दो कलर आप कैसे डाल सकते हो। यहाँ से देखो बिफोर ये आफ्टर। तो गाइज अभी यहाँ से हम इस फोटो को शेयर पे क्लिक करके कर लेते हैं गैलरी में सेव। तो गाइज हमारी फ़ोटो एडिटिंग कुछ इस टाइप की यहाँ पे हो चुकी है। आप भी अपनी फ़ोटो को इससे भी ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा जो है टाइम देना पड़ेगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।